गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जैसे कि इससे पहले हमने डिस्कस किया था रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। दो तरह के रेफ्रिजरेशन सिस्टम थे, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अभी हम लेके आए हैं कि जैसे कि जितने भी टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं उनकी कोई ना कोई यूनिट होती है, उसी तरह से रेफ्रिजरेशन सिस्टम की भी यूनिट होती है। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम की जो यूनिट होती है उसको हम TR के फॉर्म में कैपिटल TR लिखते हैं। कैपिटल TR का फुल फॉर्म होता है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। क्या होता है? टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम के यूनिट को डिस्कस करने के लिए, किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम की यूनिट को डिस्कस करने के लिए, उसके लिए स्टेटमेंट है, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट। द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम TR। और TR का मीनिंग होता है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। अ टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय मेल्टिंग द 1 टन ऑफ आइस फ्रॉम एन एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स since the latent heat of ice is 335 kilojoule per kg, okay? इसका basically जो मतलब हुआ, इसका meaning ये हुआ कि कोई भी refrigeration system है, ठीक है, उस refrigeration system की अगर हमें unit बतानी है कितनी capacity का refrigeration system है, तो हम उसको TR के form में देखेंगे। लेकिन उसके standard लिया गया है कि हमने 1000 केजी आइस लिया, मीन्स 1 टन केजी आइस लिया है, उस आइस को हम मेल्ट कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस उसको मेल्ट करना स्टार्ट किया है। कितने घंटे में मेल्ट होगा? वो 24 घंटे में मेल्ट होगा। लेकिन आइस के लिए उसकी जो लेटेंट हीट होती है, मैंने आपको बताया लेटेंट हीट क्या होती है, फेस चेंज कर रही है। तो अगर आइस अपना फेस चेंज करेगा तो वो वाटर में कन्वर्ट होगा, तो उस दौरान आइस की जो लेटेंट हीट होती है वो 335 किलोजूल पर केजी होती है। कितनी होती है? 301 के 1 kg के लिए कितनी? अगर वो वाटर से 1 kg वाटर, अगर आपका 1 kg आइस अगर वाटर में चेंज हो रहा है तो 335 किलो जूल एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होगी। अगर हमारे पास 1000 kg आइस है तो हम 1 TR इक्वल्स टू क्या, अगर 1000 kg अगर आइस है तो 1000 kg आइस को हम कैसे लिखेंगे? 1000 × 335। 1 kg कितना एनर्जी लगा? 335, तो 1000 कितना लेगा? 335 × 1000 किलोजूल इन 24 आवर्स। 24 आवर्स को हम चेंज करेंगे मिनट में तो ये आ जाएगा 24 × 60। तो बेसिकली जब हम इसको, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू जो हम लिखते हैं, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं, अगर किलो अगेन 60 का डिवाइड कर देंगे इसमें तो एक 1 TR इक्वल्स टू एक स्टैंडर्ड वैल्यू आएगी 3.5 kW। किलोवाट की हम बात करेंगे तो ये आएगी। क्यों? क्योंकि 1000 डिवाइड बाय 335 डिवाइड बाय अगेन 24 × 60 × 60 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3.5 के अराउंड एक वैल्यू आएगी। तो हम उसको कितना लेंगे? ओनली 3.5 किलोवाट लेंगे। और इसकी वैल्यू क्या आएगी? किलोजूल पर सेकेंड। तो किलोजूल पर सेकेंड क्या होता है? किलोवाट। इसलिए 1 TR को हम हमेशा कितनी वैल्यू लिखते हैं? 3.5 किलोवाट, ये लिखते हैं हमेशा 1 TR इक्वल्स टू। तो क्लियर है 1 TR का मतलब क्या हुआ? 1 TR का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 1000 kg आइस है उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे हम 24 घंटे के अंदर मेल्ट करते हैं तो कितनी पर सेकेंड एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी वो निकालना हमें, वो होगा 1 TR। ठीक है, अगर 2 TR अगर कैपेसिटी होती तो इसमें 3.5 पर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 1000 × 335 क्यों किया? क्योंकि अगर 1 kg आइस है तो उसको मेल्ट होने के लिए कितनी एनर्जी लगती है? 335 हीट लगेगी किलो जूल में, तो 1000 के लिए इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। कितनी देर में हो रहा है? 24 घंटे में हो रहा है। तो 24 घंटे के अकॉर्डिंग हमने पहले इसको मिनट में चेंज कर दिया, मिनट के बाद हमने इसको सेकंड में चेंज कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आएगा? किलो जूल पर सेकंड में आएगा। तो 3.5 स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे हम इसको, 1 TR इक्वल्स टू 3.5 किलोवाट। अब जितना भी TR बढ़ेगा, कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, कोल्ड स्टोरेज प्लांट है, आइस प्लांट है या फिर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, उन सबको हम कितने TR का है इस तरह से डिफाइन किया जाता है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट इसी में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है हमारा COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्या है COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम? सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होगा? जैसे COP, इसको हम डिफाइन करेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसका क्या मतलब होगा सीओपी का? सीओपी का मतलब होता है इट इज रेशियो ऑफ, इट इज
रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड बाय द सिस्टम बाय द रेफ्रिजरेशन सिस्टम बाय द रेफ्रिजरेशन सिस्टम टू द वर्क डन टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम ऑन द सिस्टम इज रेफ्रिजरेशन सिस्टम देन COP इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q2 हीट एक्सट्रैक्टेड ले रहे हैं Q1 माइनस Q2 ये हो जाएगा आपका Q2 हीट एक्सट्रैक्टेड और ये हो जाएगा वर्क डन वेयर Q2 इज हीट एक्सट्रैक्टेड इन किलोजूल और Q1 माइनस Q2 इज वर्क डन ऑन द सिस्टम वर्क डन ऑन द सिस्टम ठीक है. अब इसको समझने के लिए कि हमें क्या करना है कि कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट होता है उसकी एफिशिएंसी हम निकालते हैं हमेशा. एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट. तो यहाँ पे भी जो है हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम है रेफ्रिजरेशन सिस्टम को हम एफिशिएंसी के फॉर्म में नहीं दिखाते हुए हम इसको दिखाते हैं सीओपी के फॉर्म में क्योंकि इसके वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की वैल्यू क्या होती है हमेशा एक से ज़्यादा होती है सीओपी की वैल्यू. जितनी सीओपी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी अच्छा रेफ्रिजरेशन सिस्टम माना जाता है. इस क्यू टू का मतलब हो रहा है कितनी हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है. क्यू टू का मतलब क्या हो रहा है? कितनी हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है. ठीक है. देन उसको हीट एक्सट्रैक्ट होने के लिए कंप्रेसर पर कितना वर्क डन हमने किया है तो वो वर्क डन होता है आपका ये Q1 माइनस Q2. तो यहाँ पे वर्क डन जो है हमारा इनपुट है. यहाँ पे क्या है? ये वर्क डन हम दे रहे हैं किसको? कंप्रेसर को. तो ये हमारा इनपुट हुआ और ये हमारा कितनी हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है एवोपरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो हमारा आउटपुट हुआ. तो ये क्या हो गया? आउटपुट ये और ये क्या हो गया? इनपुट. आउटपुट अपॉन इनपुट क्या होता है? सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर. तो हम जितने भी रेफ्रिजरेंट सिस्टम है उन सब की सीओपी ही कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. और आप जब भी रेफ्रिजरेटर खरीदने जाएंगे तो उसकी सीओपी उसमें मेंशन होती है. जितनी ज़्यादा सीओपी होती है वेपर कंप्रेशन या वेपर अब्जॉर्प्शन उतना ही अच्छा रेफ्रिजरेशन सिस्टम माना जाता है. और इसकी वेपर VA VCRC जो सिस्टम है VCRC मीन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसकी सीओपी हमेशा एक से ज्यादा होती है. और VARS की जो सीओपी होती है वो हमेशा एक से कम होती है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि VARS में वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में बहुत सारे लॉसेस होते हैं. उन लॉसेस के कारण में उस पर एफिशिएंसी हमें अच्छी या परफॉर्मेंस हम बोल सकते हैं कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिल पाता. लेकिन VCRS पेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कोई लॉसेस नहीं होते. बहुत माइन्यूट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो के कारण लॉसेस होते हैं. इसलिए जो सबसे अच्छी सीओपी हम वेपर कंप्रेशन में मिलती है और हीट लॉसेस क्योंकि हम डायरेक्ट हीट सप्लाई करते हैं वेपर अब्जॉर्प्शन में इसलिए हीट लॉसेस होता है. इस कारण हमें जो है वर्कडन हीट वर्कडन जो है वो ज़्यादा देना पड़ता है. हीट सप्लाई ज़्यादा देनी पड़ती है इसलिए इसकी सीओपी एक से कम होती है और इसकी सीओपी एक से ज़्यादा होती है. थैंक यू फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम हीट इंजन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और हीट पंप तीनों में डिफरेंस क्रिएट करेंगे और उनके सीओपी और एफिशिएंसी के फॉर्मूले कैलकुलेट करेंगे. थैंक यू फॉर दिस वीडियो.